हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स का पेपर किस तरीके से चेक होता है। जैसा कि आपको ये येलो कलर में जो आंसर शीट नज़र आ रही है, ये बोर्ड की तरफ से मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग है। ये बोर्ड की तरफ से पेपर इस तरीके से आता है और इसके तहत ही हमको जो है तो आपकी आंसर कॉपी चेक करना होती है। जैसा कि इसके अंदर हमें बता दिया जाता है कि जो आपके सेक्शन ए के अंदर जो एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ को कौन सा राइट आंसर है, अगर यही आंसर आपको दिखता है तो इसके ऊपर आपको एक मार्क्स देना है। इसी तरीके से ये जो सेक्शन ए बी सी और डी टोटल जो है तो इसके अंदर बताया हुआ होता है। न्यूमेरिकल्स भी किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बावजूद जो स्टूडेंट जो गलती कर पाते हैं और जो इसके अंदर हमको आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए, और जो बच्चे स्टूडेंट गलती करते हैं वो गलतियों को मैं आज बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से उस गलती को नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा ना दोहराए। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले ये आपका मॉडल या आंसर पेपर है। जैसा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका इस तरीके से अगर वो आंसर लिखता है, जैसा कि उसने सेक्शन ए यहाँ पे लिखा है और सेक्शन ए के अंदर जैसा कि उसने पहले के आंसर लिखा है सी और इसका जो है तो आंसर भी लिखा है, तो एग्जामिनर जो है उसका जो है तो देखता है आंसर क्या है सी और उसका आंसर ये है। कहने का मतलब दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बिना पे जो है तो वो उसको यहाँ पर उसका मार्क्स दे देता है। जैसा कि यहाँ पे मैं देखूँगा कि इसने सी और इसका आंसर है तो इसका आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर जो है तो इसको मार्क्स 01 दे दूँगा इस तरीके से। जैसा कि इसने दूसरा MCQ लिखा है तो दूसरा आंसर है इसका एनर्जी, लेकिन इसने जो है तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है बी है सी है डी है, उसने नहीं लिखा यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर या ऑप्शन, तो उसको जो है तो मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि उसका आंसर सही है फिर भी जो है तो उसको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी उसका जो है तो ऑप्शन था लेकिन उसने आंसर यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, गलत लिख दिया है, तो जो है तो इसको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जांपल के लिए मैंने इस तरीके से आपको बताया हूँ। इसी तरीके से इसके 8 MCQs होते हैं और ये 10 MCQs होते हैं, ठीक है। 10 MCQs भी चेक होते हैं और 10 के ऊपर जो है तो उसको पूरे 10 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पे मिल सकते हैं अगर उसने पूरे करेक्ट आंसर लिखता है तो। फिजिक्स के पेपर के अंदर सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके MCQs करेक्ट आ जाए, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 मार्क्स आंसर में जो है तो क्या देखा जाता है। 1 मार्क्स आंसर के अंदर जो है तो अगर उसके आंसर के अंदर इन्फिनिटी आता है तो उसको 1 मार्क्स, यानी जो भी वो पूछता है उसके अंदर सिर्फ 1 सेंटेंस का जो है तो उसका आंसर चाहिए, अगर वही आंसर उसका आता है तो उसको वहाँ पे उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चे जो है सेक्शन बी, यहाँ से एक बच्चे का शुरू हो रहा है। अब सेक्शन बी के अंदर उस बच्चे ने क्या किया हमको देखना है। पूछा हुआ था डिफाइन द विस्कोसिटी एंड देयर फार्मूला एंड SI यूनिट। अगर कोई स्टूडेंट उसका जो है तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखा, ठीक है, तो डेफिनेशन पे उसको जो है तो यहाँ पे 1 मार्क्स दिया गया है तो इसको 01 यहाँ पे मिल जाने वाला है। उसने फार्मूला है लिखा हुआ और करेक्ट है तो उसके ऊपर जो है तो उसको आधा मार्क्स मिल जाएगा, और उसके SI यूनिट भी अगर करेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके ऊपर जो है तो उसको आधा मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से इसको 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट मिल जाने वाले हैं। इस तरीके से जो है तो बोर्ड का पेपर चेक होता है। इसी तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल्स है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो अगर उसने फार्मूला लिखता है सबसे पहले तो उसको यहाँ पे उसका आधा मार्क्स मिल जाता, और उसके अंदर उसने वैल्यू पुटिंग किया हुआ होता है तो उसको आधा मार्क्स यहाँ पे मिल जाने वाला है। और इसी तरीके से उसका आंसर और उसकी असाइनमेंट करेक्ट होती है तो यहाँ पे जो है तो उसको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से इसके यहाँ पे जो है तो टोटल 2 मार्क्स इसको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट जो है तो पूरा आंसर जो है तो करेक्ट लिखता है, पूरा फार्मूला जो है तो करेक्ट लिखता है, उसके अंदर वैल्यू अरेंजमेंट और वैल्यू पुटिंग भी करता है, ठीक है, और लेकिन उसका फाइनल आंसर जो है तो उसका गलत हो जाता है, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे या फिर कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो, अगर वो उसका फार्मूला लिखता है तो उसको आधा मार्क्स यहाँ पे मिल जाने वाला है, और रीअरेंज फार्मूला यानी उसको जो आई की वैल्यू फाइंड करना थी अगर वो आई के फॉर्म में लेकर आता है तो भी उसको आधा मार्क्स, वैल्यू पुटिंग के लिए आधा मार्क्स, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर जो है SI यूनिट भी नहीं लिखा और वो आंसर भी गलत हो गया तो यहाँ पे इसको 0 मार्क्स मिले, इस स्टेप पे इसको 0 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से इसको जो तो यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे,
ठीक है, तो आपको जितना भी अगर कोई क्वेश्चन है कोई न्यूमेरिकल से, तो जितना भी आता है अगर आप उतना भी लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर उसका फाइनल आंसर भी गलत आता है तो। और अगर कोई स्टूडेंट पूरा करेक्ट फॉर जो तो न्यूमेरिकल लिख देता है बट उसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको टोटल 0 मार्क्स मिलते हैं अगर वो यहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर नहीं पुट करता है तो। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि और किस तरीके से जो है तो पेपर चेक होता है, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू बताया, 2 मार्क का क्वेश्चन बताया और 3 मार्क का क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे देखेंगे हम 4 मार्क के क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आधी थ्योरी और आधा प्रॉब्लम, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे कि यहाँ पर इसने ये जो है एक प्रॉब्लम्स है और ऊपर की जो है ये थ्योरी है जिसके अंदर डायग्राम उसकी है, फार्मूला है, ठीक है, और ये इसकी स्टेप है और यहाँ पे जो है तो इसका आंसर लिखा हुआ है। तो देखो डायग्राम है तो डायग्राम के ऊपर उसको आधा मार्क्स मिलेगा, अगर उसकी क्लीन डायग्राम नीट डायग्राम रहेंगे तो उसको आधा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा, और उसके अंदर इसके ये वाले स्टेप आते हैं तो हर स्टेप जो स्टेप यहाँ इसने बताया है उस स्टेप के मुताबिक इसको आधा आधा मार्क्स रहेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो आधा मार्क्स, वैल्यू पुटिंग करते हैं तो आधा मार्क्स, और राइट आंसर आता है तो आधा मार्क्स। इस तरीके से जो है तो इसको ये इस क्वेश्चन के अंदर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिजिक्स का पेपर और भी दिगर क्वेश्चन दिगर जो पेपर्स होते हैं, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसी तरीके से मॉडल आंसर के बेसिस पे जो है तो चेक किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।